जिज्ञासा के माध्यम से खुशी दस टीआरएस क्लिप्स हिंदी हैपीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी दोस्त साढ़े ग्यारह महीने सर हाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी देते थे खाना भी नहीं देते थे कई बार मतलब प्रोवोक भी करते थे एक बार जब मेरी दाढ़ी बना रहा था तो वो बोल रहा है कि तो सी और मतलब वो उनकी जो गालियाँ होती है और ऐसे करते और वो मेरी दाढ़ी बना रहा है मुझे अच्छा नहीं लगा तो तो मैंने कहा नहीं बनाऊंगा तो सामने से वो सेंट्री देख रहा था लायलपुर फोर्ट वाला और उसने शिकायत की तो ये कोई आया उनका अफसर मैंने कहा सर मैं नहीं बनाऊंगा अगर ये मेरे को गाली देगा या मेरे देश के बारे में या धर्म के बारे में कुछ भी बोलेगा तो बोला क्या हो गया ये वो करना मैंने कहा साहब जो भी बात करनी है ये मतलब अपना ये दाढ़ी बनाने के लिए दाढ़ी बनाए क्यों मुझे काफिर बोले क्यों माँ बहन की गालियाँ बोले तो मैं नहीं कटाऊंगा इससे तो फिर उन लोगों ने मुझे सोलिटरी कन्फाइनमेंट दे दिया एक सेल में बंद कर दिया और जहाँ मच्छर ही मच्छर और बड़ा मतलब आ, अब नेक्स्ट स्टेप क्योंकि दाढ़ी तो वो बनाएंगे ही बनाएंगे कि भाई कहीं भागना जाए या कहीं कुछ नहीं दाढ़ी कितनी थी दाढ़ी बस इतनी सी दाढ़ी जितनी आपकी है ना उससे भी नहीं तो नेक्स्ट डे दूसरा नहीं आया ये नहीं आया जो ये वहां का जो पाकिस्तानी था ये जो नहीं आया था ये भी कैदी था लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान से उधर गया हुआ था तो वो इंडिया के पंजाब से पाकिस्तानी पंजाब में क्रॉस हो गया था नाइनटीन में उसकी फैमिली ये आया ये कैदी था इसने कुछ किया होगा तो, तो उसी जेल के अंदर हम लोग जो जो लायलपुर फोर्ट में थे तो पार्ट ऑफ उस जेल में उनके कैदियों को भी रखा हुआ था इनफैक्ट जिस सेल के अंदर मैं बंद था वहां भुट्टो साहब को भी रखा था याया साहब ने या उससे पहले अयूब ने किसी ने भुट्टो साहब को उस जेल में पहले रख रखा था जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बन गए भुट्टो साहब तो मेहरोत्रा साहब थे कैप्टन मेहरोत्रा मी वी वर बोथ पार्टनर्स इन दैट तो मैं जो आपको बता रहा था ना तो वो नाई मेरे को जब करे तो मुझे बहुत मच्छर काट गए रात को तो मैंने उसको बोला यार ऐसे ऐसे मेरे को बोला साहब जी मैं वो फिर खुल गया वो और वो संतरी थोड़ा सा दूर खड़ा था बोलता है, मैं तो साहब ओधर सू ऐ आ गया एथे, बड़ा मैंने वापस हिंदुस्तान जाना मैंने कहा यार हम तो खुद यहाँ पर यहाँ बैठे हुए हैं क्या हो गया बोला नहीं साहब इधर कुछ भी नहीं मैं बड़ा मिस कर दा उधर मैं भाई तुमको क्या हो गया तो बोला साहब ऐसे ही मैं जा रहा था तो मेरी बहन को किसी ने छेड़ दिया तो मैंने उसको मतलब इंजर कर दिया तो मुझे जेल हो गई थी तो बस के अंदर हम जा रहे थे तो फिर बोला साहब मैं आपको ये एक छोटी सी बॉटल थी उसने डिटॉल है ये देता हूँ ये आप रगड़ देना मैंने क्या रोके लिया हाँ बोला आप रगड़ देना अच्छा मैंने रगड़ दिया लेकिन मैंने क्या किया उसको डाइल्यूट किए भी नहीं रगड़ दिया तो पूरी मेरी स्किन जल गई जगह जगह और मच्छर कोई उससे कोई रुकता नहीं थोड़ी देर बाद में पर ही वॉज़ अ गुड चैप और बड़ा वो तो मैंने कहा आपको किसी ने देख लिया तो बोला नहीं साहब मैं कुछ कर लाऊंगा मैंने कहा भाई ठीक है ही उस मतलब आप देखिए कि एक बंदा ऐसा और दूसरा बंदा तो तरह तरह के लोग मतलब ऐसे होते हैं वहाँ पर फिर आपको पटा पता ये पता शिमला एग्रीमेंट हो गया सर सॉरी विल हैव टू टॉक अ लिटिल बिट मोर हाँ मुझे थोड़ा और जानना है इस फेज के बारे में स्पेशली जब आपको पहली बार उस जेल लेके गए उससे पहले मैं राहुल पिंडी हॉस्पिटल में था अब मैं जो बता रहा था ना वहाँ ले गए फिर हमको वहाँ ले गए ये गोली वगैरह का कांड हुआ फिर हमको पहले ले गए जेल के अंदर राहुलपिंडी की जी वहाँ जेल के अंदर रात को रहे तो मेरा ये ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गया अब सहन करने लायक नहीं था तो मुझे एक सेल में डाला नीचे ही तो वहां पर एक छोटा सा पत्थर था छीण नहीं होती है जो अपन पट्टी जो लगाते हैं वैसे तो वो पट्टी थी और वहाँ नीचे मतलब समझिए इतनी सी ठीक है ना अब छोटी थी तो अब मैं अगर अपना सर वहां पर रखू तो मेरे पाँव लटके तो मैंने उनको बोला कि मुझे कोई ये दे दीजिए बहुत पेन होता है बिकॉज ऊपर से भी ब्लीडिंग करके मेरे शरीर में जा रहा था और ये वाला तो जा ही रहा था तो वो एक उनका कोई मेजर साहब था तो बोलता है, काफिर तेन ये चाहदा और बहुत जोर से गालियां वालियां बोले और मैंने कहा साहब दे दीजिए मतलब इतना ज्यादा तो आप बोल नहीं सकते जितना मैं अभी बोल रहा हूं तो फिर उसको बोला कौन तू मैंने कहा साहब मैं सेकेंड लेफ्टिनेंट जी आर चौधरी बोला नहीं तू तेरा की है तू जाति की बोलो तो तो तू कितना जाट जाट हो सकता है जाट तो तू काफिर मतलब दैट फॉलो डिंट इवन नो दैट हम लोग सब एक ही थे ये तो हमारे जो जो भी हमारे राजा या जो भी हमारे उच्च लोग थे वो हमें बचा नहीं सके तो या तो हमारा पूरा गांव कन्वर्ट हो गया या हमारे कुछ लोग जो पुअर थे और निचले तबके के थे वो कन्वर्ट हो गए बाकी अपनी मर्जी से कौन कन्वर्ट हुआ लेकिन ये कहना कि वो लोग डिफरेंट है और वो लोग कुछ जाति के हैं और हम लोग कुछ और जाति के एवरी कास्ट यू विल फाइंड अमंग द पाकिस्तानीज मतलब हर कास्ट के लोग कन्वर्ट हुए फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉटम मोर बिकॉज उनको किसी कोई बचाने वाला नहीं था उनकी कोई रक्षा करने वाला नहीं था तो उनको तो एनमास ही लोग कन्वर्ट कर, करवाते गए लेकिन वो सारे के सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हैं हमारे जम्बूद्वीप के हैं भारतवर्ष के हैं जो सदियों से पाँच हजार साल पुरानी संस्कृति हमारी वो बाहर से नहीं आए कोई बाहर से जो आए वो क्या एक दो पाँच दस चार वो तो हमारे जैसे हो गए गालिबनी शेर व शायरी करता था नहीं उर्दू के अंदर करता था उर्दू तो हमारी लैंग्वेज है लखनऊ में डेवलप हुई है तो वो लोग थोड़ी है कोई ये आप समझते हो अरब या अफगानिस्तान या वहाँ के कोई कंधार वॉज ऑल्सो आवर्स तो सब वही है स्टॉक वही है पर दिस इज हाउ इट इज फिर पता नहीं आफ्टर सम टाइम एक बंदा आया खाने पीना तो मतलब ही नहीं होता बिकॉज आई हैड होल्स वन हेयर एंड वन हेयर तो कोई भी चीज डालेंगे वो तो बाहर निकल जाएगा बिकॉज यहां तीन उंगलियां अंदर जा सकती थी। तो आ, आए फिर उसने एक मुझे आ, एक बोरी रखी कट्टा दूर से भर के धूल से भरा हुआ कट्टा यहां पर रखा तो थोड़ा मेरे को वो ऐसे तो इतनी घायल और वो होते हुए भी मुझे रात में फॉर सम टाइम आई कुड स्लीप बिकॉज आई वॉज टायर्ड कई तो सात आठ रात से तो हम लड़ ही रहे थे और एक्चुअली जब फ्रंट पे थे तो थर्ड को जब इन्होंने क्रॉस कर दिया तो उसके बाद में सोने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता मतलब खड़े खड़े अगर आप मोर्चे में आ गई आपको नींद तो आ गई अदरवाइज देर वॉज नो क्वेश्चन बट लाइंग डाउन मतलब पीठ के बल आराम करना घायल अवस्था में भी ये पहला ही मतलब ये चांस मिला थर्ड के बाद में अब खाते क्या थे सर शक्र पा रहे थे हम लोगों के पास में हम लोगों का खुद का पानी होता था और अबाउट आउट पांच दस किलोमीटर गए हम लोग तब तक तो हमारा पीछे से पानी वगैरह हमारी खुद की यूनिट से आता था जब आपको पकड़ा गया वहाँ तो क्या वहाँ क्या खाएंगे वहां तो नो क्वेश्चन बिकॉज आफ्टर इंजरी फॉर टाइम आई कोट ईट तो आप भूखे पेट रहे भूखे पेट ही रहते थे भूखे पेट रहना कोई बड़ी बात नहीं है सैनिक के लिए बिकॉज आप कैसे खाएंगे एक साइड से ऐसे करके अगर आप सकर पारा दो तीन खा लेंगे तो खा लेंगे पानी भी एक दो बूंद पियेंगे मतलब नॉर्मल खाना अब ये हो गया अब मैं इसलिए आप लोग खाने पे आ गए तो फिर नेक्स्ट डे क्या किया हम लोगों को हॉस्पिटल ले गए रात गुजार दी नेक्स्ट डे ले गए रावुलपिडी मिलिट्री हॉस्पिटल जब मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए तो जिस रात में हम लोगों ने ये अटैक किया चौदह पंद्रह की रात उसी रात के अंदर आ, हमारे एक फोर्टीन ग्रेनेडियस के आ, मेजर हमीर सिंह जी थे जो भी घायल हुए थे और जिस रूम के अंदर मुझे ये चेक चुक करके और फिर थोड़ा सा पट्टी किया उन्होंने और कोई दवाई दी जिससे कि मेरा पेन वगैरह थोड़ा सबसाइड हो तो उसी के अंदर वो थे तो बीच में एक पर्दा कर रखा था और लंबी ऊंची सीलिंग का वो कमरा था तो अब मेरे को क्या पता कि आगे ये पाकिस्तानी है उनको क्या पता कि मैं हिंदुस्तानी हूँ तो हम लोगों के अंदर भी वो इतना कुछ नहीं और फिर एक संतरी ऐसे हमेशा खड़ा रहता था लेकिन फिर पट्टी कर ली तो दो तीन दिन बाद में ऑपरेशन के लिए ले गए तो वहाँ छः सात ऑफिसर्स थे हम लोग मेजर हमीर सिंह थे मैं था उस उस वक्त मेजर सुरे साहब भी मिले तो मेजर सुरे साहब वॉर के दौरान ही आए थे और वो दूसरी कंपनी के कमांडर थे तो जब वहाँ गए तो वो सबके नाम वो लिख रहा था डॉक्टर का जो भी असिस्टेंट था तो जो भी इंजीयर और पी और थे तो हम लोग उसमें से छः सात थे एक मेजर चौधरी थे एक मेजर हमीर सिंह थे एक, एक सुरे साहब चौधरी हमीर साहब थे और दो तीन और दूसरे ऑफिसर्स थे तो जिनके ऑपरेशन होना था जैसे तो मैंने बोला सर आई एम लेफ्टिनेंट चौधरी अ प्लेस टू मीट चाओ पाकिस्तान में मिले <laughs> तो है सर अ ग्रेट सोल्जर ही गोट वीर चक्रा ऑल्सो और फिर बोला पहले आप किसको ले जाएं तो उस डॉक्टर ने जब पूछा ऑपरेशन के लिए तो बोला कि नहीं नहीं इसको चाव को ले जाओ पहले इसके हमारे ऑफिसर्स ने ना आई वॉज यंगेस्ट तो मुझे पहले वो ले गए फिर उसने यहाँ ये टाँके लगाए ऊपर कोई जो भी दो तीन उसको करने थे वो टाँके लगा के और ऊपर पट्टी अलग से की और यहाँ पर फिर वो वापस उन्होंने पट्टी करके तो इवन दैट डॉक्टर उसके पास जो भी वो मार दू क्या आई ब्लैंकली लुक डेट हिम कुछ नहीं बोला मैं मतलब डॉक्टर नॉर्मली डॉक्टर होता है सबका बट उनके अंदर जो वो हार का गुस्सा वो यू you नो know, कि हम तो गाजी हैं और हम जीत जाएंगे और वो अपने आप को जो समझते थे कि हम तो मतलब वो सब पुराने वो हैं वो तो थे नहीं अपने ही आदमी थे तो जो उनके अंदर जो वहम तेबीस चौबीस साल में पैदा कर लिया था ये ये कर लेंगे और वो कर लेंगे एंड वो कर लेंगे, और वो कर लेंगे और ये क्या है वो लोग सोचते लो थे कि जो जितने भी ये लोग हैं हिंदुस्तान के ये लोग वीक हैं हम ही लोग शेर हैं ऐसा उनके जो वहम था वो वहम मिट गया बिकॉज हमने उनको तहस नहस कर दिया उनका एक आम ही काट के उस साइड में ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया तो बड़ा उनको झुंझलाट होती होगी सबको डॉक्टर विल नेवर गेट पर्टर्ड वो कभी विचलित नहीं होगा मतलब समझदार आदमी कभी विचलित नहीं होता भाई डॉक्टर के लिए तो एक पेशेंट है इसको ट्रीट करना है लेकिन वो भी ऐसे और फिर तो जो भी उन्होंने जैसा किया रूडिमेंट्री कर दिया ऑल मेरे सेप्टिक तो इंडिया में आके ही वापस मैंने वापस कोई हमारे यहाँ के डॉक्टर्स ने उसका जो भी दिया मुझे एंटीबायोटिक वगैरह उससे हुआ बाकी थ्रूआउट दैट पीरियड इसमें से पस आता रहा एक साइड से दूसरी एक कोई साइड से बीच में भी वो हाँ तो ये यहाँ हम लोग थे मेजर अमीर सिंह और हम लोग जब सुबह वो ब्रेकफास्ट करवाते थे तो बीच में से पर्दा हटा देते थे तो वो ब्रेकफास्ट लाते थे, थे हम लोगों के लिए तो एक दिन लाए तो अब तब तक हमारी बात हो गई थी तो उनको भी पता लग गया कि ये जी आर चौधरी है राजस्थान का वो भी राजस्थान के थे उनके फादर थे जनरल कल्याण सिंह इनको भी वीर चक्रा मिला ये फिर बाद में जनरल कल्याण सिंह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रिजनर ऑफ वॉर थे अया वगैरह के साथ में तो फिर वो नमक लाने के लिए बोला मेरे साहब ने बोला थोड़ा नमक ले आओ तो वो जो लेके आता था वो ऑफिस मैस का वेटर फौजी था वो जाके लेके आया तो दिया तो वो थोड़ा सा नमक मैंने लिया और मेरे को जब ऐसे दिया तो देखा उसको ऐसे करके तो उसके ऊपर सीज फायर हमको नहीं पता था पहले अब तीन चार दिन हो गए थे तो बांग्लादेश क्रिएटेड एंड वो ऊपर तो का पोर्शन था पाकिस्तान टाइम्स का तो हम लोगों को भी बड़ा मतलब खुशी हुई बहुत कि भाई जिस काम के लिए इंडिया ने डिसाइड किया था और जिसके हम पार्ट थे तो मैंने वापस करके उसको बोलना बहुत बिकॉज सामने वो सिपाही खड़ा है उनको भी ऐसे बात भी नहीं करते थे बहुत कम दे अलाउ कभी कभार करते थे एक बड़ी नर्स थी उनकी बड़ी लंबी चौड़ी वो बहुत अच्छी थी हेलो सर वो आके बात करती थी हम उनको सिस्टर बोलते थे तो उनका सिपाही टोकता था लेफ्टेंट मेजर बात मत करो वो बात करने देती थी एक दूसरा जेसीओ था बलूच उसकी भी ड्यूटी लगती थी कभी रात में या दिन में वो आता था वो बात करता था क्या क्या बोलते थे वो अब ये मेजर हमीर सर और हमारी जो हम बहुत खुश हुए तो आंखों आंखों में कहा भाई जीत गए और बहुत बढ़िया बात है और वही उनका फ्रस्ट्रेशन का कारण था ये तो जो लेडी थी वो तो अच्छी तरह से बात करती थी जो हेड नर्स थी वो एक जेसीओ था उसको कभी कभी मौका मिलता तो वो जवान बाहर खड़ा रहता था तो जैसी बीच में आके बोला मैं एक मिनट चेक करके आता हूँ तो आके तो वो एक दिन धीरे से मुझे भी और मेजर साहब को भी बोले कि साहब अगर आप वापस जाएँ ना जब आप वापस जाएँ तो मुझे एक छोटा सा गुट का गीता का और एक छोटा सा रामायण का भेजेंगे क्या मैंने पूछा साहब आप क्या करेंगे उसका नाम तो ममडा नहीं था ना बलूस था बड़ा सही आदमी यू नो ये बंदा मुझे क्या बोलता है मेरे साहब भी सुन रहे थे एंड सरप्राइजिंगली दी जॉनी ऑल्सो डिड डिस्टर्ब जो उनका सिपाही जो बहुत एग्रेसिव रहता था कि साहब मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताऊंगा कि ये हम लोग थे पहले हाँ मतलब आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि देखिए बेसिकली हम सारे इंसान एक ही हैं और अगर उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम लोग सब एक हैं तो इट्स अ ग्रेट थिंग ह्यूमैनिटी और वैसे भी बॉस मतलब एक कितनी बड़ी बात है कि एक आदमी जिसके पुरखे कन्वर्ट हो गए उसमें इतनी अक्ल है और इतनी आम, समझदारी है कि वो अपने पोते पोतियों को ये बताएगा कि ये पहले हम लोग थे वैसे भी बोलते हैं ना कि भगवान वो वाल्मीकि जी का आश्रम शायद बलूचिस्तान में ही है जहाँ अब ये कितना कौन और अपनी एक हिंगलाज माता का वहाँ मंदिर है बहुत बड़ा लोग जाते हैं यहाँ से राजस्थान से और पंजाब से और बाकी हमारे एरिया से दर्शन करने के लिए तो बेसिक तो सेम है ना क्या आपको उनकी एम्पथी uh, की वजह से होप यस 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 हाँ वो वो मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा साहब आप क्या करेंगे वो साहब भी बोले कि आप क्या करेंगे भाई फॉर देम देयर ओन बुक्स आर इम्पॉर्टेंट और आई वाज वेरी मूव्ड बाय हिज टॉकिंग अबाउट दैट बोला जरूर साहब अगर हम यहाँ से ज़िंदा चले गए तो जरूर करेंगे बिकॉज उनका अगर वो कहीं भी शूट कर सकते हैं और फिर बीच में कुछ के प्रिजनर्स को वो कहीं भी ले गए थे ले जा सकते हैं तो हमें कैसे पता कि हम को भी नहीं ले जाएंगे इसी उनका वो होता है कि किसको हम काफ़ी वो करके इस्तेमाल कर सकते हैं तो दैट इज वाई आई फेल्ट वेरी वेरी इमोशनल एंड वेरी मूवड मैं बहुत सारे पाकिस्तानी से मिला हूँ जब भी दुबई जाता है तो बहुत सारे पाकिस्तानी मिलते हैं um, किसी ने भी डिस नहीं किया किसी ने भी uh, एक नेगेटिव वाइब नहीं दी हैथिंग है जी इट इज is... um, आप ये बात कर रहे हैं देखिए हम वहाँ से राहुल पिंडी से थोड़े दिन रहे थोड़ा सा वो कर दिया तो नेचुरली दे डेंट टेक देयर ओन इंजर्ड सो मैनी उनके खुद के लोग बहुत मारे गए और इंजर्ड थे वोडेड थे तो दे वॉन्टेड हॉस्पिटल टू बी तो हम लोगों को हफ्ते दस दिन के अंदर वहाँ से निपटा के मेरे हिसाब से मुझे पूरे दिन याद नहीं है मे बी हफ्ता या दस दिन के बीच में वहाँ से वो करके रूडिमेंट्री दो तीन दिन तक ऐसे रखा फिर डॉक्टर के पास ले गए फिर दो एक दिन और रखा और फिर वो लायलपुर फोर्ट जो उनकी जेल थी जो सर्कुलर जेल हम लोगों ने यहाँ पर डेवलपमेंट किया भाखड़ा नांगल डैम बनाया इंडस्ट्रीज लगाई स्टील प्लांट्स लगाई वो लोग जेलें बना रहे थे तो एक बहुत ही मॉडर्न जेल थी सर्कुलर जेल लायलपुर फोर्ट अब आज आजकल उसका नाम लायलपुर को पता नहीं है कुछ और बोलते हैं वहाँ ले गए जब वहाँ पर ले गए तो हम लोगों को एक सर्कल फिर दूसरा सर्कल फिर तीसरा सर्कल अंदर के अंदर रखा फिर अब जेल के अंदर वो मैंने आपको बीच में बता दिया कैसे उन्होंने सॉलिडरी कन्फाइनमेंट दिया और ये दिया और पर आपको पता है कि डेवलपमेंट्स होते रहते थे शिमला एग्रीमेंट हुआ भुट्टो साहब तब तक वो याया को डिस्प्लेस कर दिया या याया को कैसे वो हटाया वो अलग स्टोरी है एंड आई डोंट वांट टू गो वो आए उन्होंने शिमला एग्रीमेंट किया वापस आ गए वो आए मिलने के लिए कौन भुट्टो खुद हमारे से उन्होंने एड्रेस किया लेकिन जब भुट्टो यहाँ से वापस चले गए तो इन बिटवीन थोड़ा सा ईज हो गया सिचुएशन तो सितंबर अक्टूबर के दौरान हमारे उन लोगों ने अलाउ कर दिया मंदिर परेड मस्जिद परेड चर्च परेड और गुरुद्वारा परेड सो दैट इंडियन प्रिजनर्स जो हैं उनको पहले जो हम लोगों को ट्रीट कर रहे थे कि एक दाल देंगे जिसके अंदर आप लकड़ी भी डुबो दो तो उसके ऊपर कुछ नहीं लगेगा और वो कैदियों वाला खाना देते थे जबकि उनको देना चाहिए एज पर जेनेवा कन्वेंशन सोल्जर्स फूड बट वर नॉट द शिमला एग्रीमेंट देवर ट्रीटिंग राधर मेल ट्रीटिंग खाना वाना सही नहीं था और एक वो क्रॉस लगा हुआ काला सा कैदियों वाला दे देते थे पीछे क्रॉस लगाया हुआ वही ड्रेस रखते थे लेकिन फिर थोड़ा सा ही ठीक हो गया तो मैं वो दूसरी वाली बाद में टच करूंगा इन बिटवीन ये ले गए मेरे ये सेप्टिक हो गया बहुत ज़्यादा और एक मेजर चौधरी थे ग्रनेडियर्स के जो पुराने 65 के सेना मेडल थे और अभी भी इनको बाद में जब वो अवार्ड मिला वीर चक्र मिला था फोर ग्रनेडियर्स हवलदार अब्दुल हमीद की यूनिट है जिसने वो परमवीर चक्र मिला ना जिसने वो टैंक्स रोके थे और पाकिस्तानियों ने सोचा कि पता नहीं कितने ही इनके टैंक होंगे उसने एक टैंक से उनके तीन टैंक उड़ाए थे और उसको पीवीसी और जब तक नहीं हटा जब तक वो खुद मर नहीं गया हवलदार अब्दुल हमीद तो आपने सुना होगा ना बी बी है परमवीर चक्रा उसकी यूनिट के वो थे तो इस बार भी उन्होंने जैसे हमने अटैक किया उन्होंने लेफ़्ट साइड से अटैक किया और वो लोगों को भी ऐसे ही हुआ इंजियर हो गए घायल हो गए और उसके बाद में वापस जा नहीं सके और नेक्स्ट डे जो भी आप सीज फायर या जैसे था आ, र, पीछे वाला री नहीं पहुंचा मेजर हमीर का भी यही हुआ री नहीं पहुँचा लेकिन उन्होंने वो पोस्ट कैप्चर कर ली हमने जैसे अपनी कप्चर इधर इन लोगों ने भी ग्रेडेज वालों ने भी और तो आई वॉज एक्सप्लेनिंग समथिंग टू यू ना कि शिमला अग्रीमेंट के बाद हाँ तो हम लोगों को दोनों को ले गए बिकॉज मेजर चौधरी के यहाँ सेप्टिक हो गया आँख में गोली लगी थी और मेरे ये दोनों जगह सेप्टिक हो रहा था तो वो ले गए हमको रावलपिंडी हॉस्पिटल अब जब रावलपिंडी हॉस्पिटल ले गए तो उन लोगों ने उस दिन हमको पजामे कुर्ते वाइट मंगा के दोनों को तो मेजर चौधरी मेरे से भी टॉल आई वॉज अंग बॉय ही वॉज़ अंग मैन तो ले गए ऐसे ही तो मेरे ये पट्टी पट्टीबंदी हुई और वहाँ पर वो ले गए और मिलिट्री वहाँ पर जो था वो ट्रीटमेंट ठीक नहीं था तो ये सोचा कि लायलपुर का सिविल हॉस्पिटल बड़ा फेमस है तो वो लेके गए तो वहाँ एक डॉक्टर साहब थे वो उन्होंने तो उसी वक्त उन लोगों ने बोला कि भाई वो हिंदुस्तानी आ रहे हैं तो कुछ लेडीज और कुछ बच्चों को क्योंकि इन्होंने उनको बता दिया होगा ना कि इनको हम लेके आ रहे हैं कि कि किसी ने देखना हो तो, तो वो डॉक्टर साहब के फैमिलीज और दूसरे ऐसे और उनके अंदर जनरल नियाजी जो इनके पकड़े गए थे बांग्लादेश में उनकी सिस्टर भी थी अच्छा एक दो ऑफिसर्स थे जैसे हमारे यहाँ कर्नल साहब थे कर्नल मलिक के भाई की मिसेस भी थी बिकॉज कर्नल उसका जो हजबेंड था कैप्टन तनवीर ही वॉज कैप्चर्ड देयर इन बांग्लादेश है नहीं वो तो उसको भी दिखा रहे थे कि देखो ऐसे तो इसलिए हमको कब कप... तो वहाँ जब ले गए तो हमको एक कमरे में जैसे आपका एक कमरा बिठा दिया डॉक्टर अंदर बैठता है तो ऑपरेशन के लिए वापस वो कुछ पट्टी वगैरह देखे तो तब तक वो एकदम बच्चे आए भागते हुए चार पाँच बच्चे पाँच छः बच्चे और चार पाँच लेडीज़ तो बोला वो बच्चे कही और हिंदुस्तानी कहाँ कहाँ हिंदुस्तानी तो वो डॉक्टर साहब ने बोला कि ये बैठे हैं ना और ये तो पाकिस्तान ये तो पाकिस्तानी है को जब उन बच्चों ने हमको देखा दर इज नो डिफरेंस बिटवीन आस मतलब उनके लिए सरप्राइज था बिकॉज वो लोग सोचते थे कि पता नहीं हिंदुस्तानी कैसे हैं मोटा पेट होगा काले कलूटे होंगे और लाइक राक्षस की तरह कहीं ऐसे होंगे तो मतलब ह्यूमैनिटी है ना तो वो बच्चों ने बच्चों का जो रिएक्शन है वो एकदम सही है कि ये तो पाकिस्तानी है सो दर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इंडियंस एंड पाकिस्तानीज और इवन दोज लेडीज तो वो बड़ी खुश हुई कि अच्छा ये तो एकदम ठीक ठाक लग रहे हैं फिर नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक में इन लोगों ने उनका ट्रिप करवाया यहाँ पर दिखाने के लिए और हमारे जितने भी ऑफिसर्स थे हम लोग कुछ एयरफोर्स के भी यहाँ बुला दिए गए थे जो पहले इन इन्होंने रखे थे राहुल पिंडी में अलग से और हम लोगों को सबको एकदम वो पहनाए अच्छे से दूसरे कपड़े और वो लोग सब आए और उससे पहले कभी हमको ये चदर वदर नहीं देते थे हम लोग ऐसे ही फ्लैट ही सोते थे या कोई एक दरी जैसे ये तो बहुत अच्छी किस्म की आपने लगा रखी है मिलिट्री की दरी नहीं होती है तो वो किया लोग ऐसे बैठे और वो आके देखते गए ऐसे टू टेल देम कि देखिए आप चिंता मत करो तुम्हारे हस्बैंड जो हैं इंडिया में वो इस हिसाब से अच्छी तरह से रखे हुए हैं टू शो देम कि किसी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है जैसे हमने इनके कैदियों को रखा हुआ है हमारे कैदी भी वहां पर ऑलडो वी हैव ट्रीटेड दम वेरी वेरी वेल वो तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है तो उसके बाद में ये हमारी मंदिर परेड वगैरह होने लगी मस्जिद परेड तो एक दिन मस्जिद परेड जिस दिन थी तो ये पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी तो थे जो भी जेल में थे या दूसरे वो आए तो दो जवान थे हमारे मुनिर खान और लाल खान तो वो वहाँ खड़े हुए थे कि जैसे ही अफसर आते हैं सारे हमारे और उनके तो सल्यूट करनी और उनको राम राम साहब राम राम साहब तो पाकिस्तानी ऑफिसर बोलता बोलते अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल सकता तो मालूम इन्होंने क्या जवाब दिया अबुल्लाहार मुनीर खान ने और सिपाही लाल खान ने कि साहब हम ड्यूटी पे हैं और ग्रनेडियर्स रेजिमेंट के हैं तो हमारे यहाँ जो सेल्यूटेशन है जो ग्रीटिंग्स है ऑफिसर्स को या किसी भी सीनियर को वो राम राम ही है अगर मैं सिविल ड्रेस में होऊंगा या बाहर कहीं मिलूंगा आपको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहा हूँ या वैसे ही कहीं तो मैं आपको वालेक़म बोलूँगा तो मेरा कहने का मतलब ये कि हमारी मिलिट्री के अंदर जो भी मिलिट्री के ट्रेडिशंस हैं ये वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखते और ये पाकिस्तान के अंदर इंडिया के मुस्लिम सिपाहीज की बात है जस्ट लुक एट दी डीप कमिटमेंट एंड रेस्पेक्ट प्लस विश्वास हिंदुस्तान में इस जवाब देखो रोंगते खड़े हैं। मतलब हिंदुस्तान के मुस्लिम सिपाही ने एक पाकिस्तानी ऑफिसर जो उनको चेक कर रहा है कि वालेकुम नहीं बोल सकता वो बोलता साहब मैं ड्यूटी पे हूं और मेरी यूनिट में राम ही बोलते हैं वो राम ही बोलते हैं आज भी अब ये इसलिए मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान का एक परसेंट तो मैं किसी की गारंटी नहीं दे सकता हम लोगों का जो हम हिंदू हैं उनकी भी पर नाइन्टी नाइन परसेंट इंडियन मुस्लिम्स आर लॉयल टू इंडिया मच मोर लॉयल देन मोस्ट पीपल ये एक बार हिंदी में भी कह दीजिए ये एडिट आउट नहीं करेंगे हाँ हमारे हिंदुस्तान के निन्यानवे प्रतिशत मुस्लिम्स भारत के प्रति इतने वफादार है कि दूसरे जो हमारे हैं मैं खुद एक हिंदू हूं मैं उनके बारे में भी इतना नहीं कह सकता इतनी ज्यादा कमिटमेंट और इतनी ज्यादा लॉयल्टी भरी हुई है ब्रिगेडिय उस्मानी ही डाइड 48 में उसको बोला इधर वो नहीं गया उधर एंड महावीर चक्र ही डाइड फॉर इंडिया इन कश्मीर टू प्रोटेक्ट द इंडियन टेरिटरी और 48 की तो 47 में अगस्त में हम लोग आजाद हुए और इन्होंने सालों ने अक्टूबर में सितंबर में तो अटैक कर दिया उससे पहले थोड़ा सा ट्राई किया उन्होंने या उसके बाद में था वो तो 62 के पहले उन्होंने या कच्छ में ट्राई किया था वो देवर पोकिंग एवरीवेयर दोस्तों टीआरएस क्लिप हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को टी आर एस हिंदी बहुत जल्द